आइए। ओम भूभुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलो भाई ढोल बजाओ। क्यों माँ बाप है इसलिए चुप हो गया? अरे मैं तुम्हें याद कर रहा था और तुमने फोन कर दिया। दादूलन को देखते ही तुम्हारी याद आ जाती है बेटी। ठीक है। ए, क्या है? तू ना? आप इधर देखो। अरे आगे क्या हो रहा है? हाँ मैं आ रहा हूँ बेटी। क्या करें, शादी के घर तो थोड़ा आगे पीछे होता ही रहता है, टाइम भी लगता है। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या हो रहा है? अरे संभालो। Thank you.
नजर ना लगे, जिंदगी में कोई दुख ना आए, सब कुछ शांति से चलता रहे, किसी भी इंसान की इनके ऊपर कोई नजर ना पड़े, हमेशा खुश रहें। आशीर्वाद देने वाली आज नजर उतार रही है। ए, क्या तुम्हारी जबान ज्यादा ही चल रही है, पकड़ और ले जा। बापरे, शक्ल देखो इसकी। जरा वो फाइल देना। ए, वो जो पेमेंट आने वाली थी वो आ गई क्या? आ गया है। मांगूंगा तभी देगा क्या? ये क्या है? 1,000 रुपया। पर बात तो 10,000 रुपए की हुई थी ना। मीडिएटर हो तो रौनक होना चाहिए। अब इस तरह की शक्ल बना करके रखोगे ना तो पेमेंट भी ऐसा ही मिलेगा ना। बोलना, ये मार खाएगा। क्या करूं, मेरा नसीब ही खराब है। ठीक है, देर हो रही है, तुम जाओ। ये लो, रख लो। अब मुझे भगाना चाहते हो? ठीक है, अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। ट्रैफिक होगा, संभाल कर किनारे किनारे जाना। वहाँ क्या देख रहे हो? ये लोग क्या दे रहे हो? जहाँ लोग देना था वहाँ तो दिया नहीं, कम पैसे लेकर आ गए। साहब, बेवकूफ थोड़े ही हो। शकल से तो नहीं, पर तुम्हारी हरकतें देखकर यही लग रहा है। ढंग से रहा करो वरना मार खाओगे किसी दिन। ये लो, तुम भी लो। मेहनत करने वाले को आपसे 50 रुपए देते हैं और उसको 500 रुपए दे दिया आपने। मेरी बातों में टांग अड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। 100 दूं या 1,000, तुम सवाल क्यों करते हो? चुपचाप काम से काम रखो वरना मार खाओगे। हेलो मैडम, ये एड्रेस कहाँ है बता सकती हैं क्या? ये तो आसपास का है। ठीक से एक एक छोड़ो मुझे। चुप, क्या कर रहे हो? ए, हेल्प। ए, गाड़ी चला रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ए, चुप, हेल्प, छोड़ो। चुप, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो? चल अंदर, छोड़ो, चल अंदर। नौकरी गई, पत्नी गई, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम बेकार में मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी गलतियों की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ए, सुनो भाइयों, ये लड़की शर्मा रही है, तुम लोग बाहर जाओ। ए, तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ। तुम अपनी गलती दोहरा रहे हो। मुझे छोड़ दो, जाने दो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उन सबको भूल जाऊंगी, और तुम भी उन सबको भूल कर आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी खुशी से जियो। अरे, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब बोल रहे हैं कि मैं खुशी की जिंदगी जियो। अभी बताता हूँ कैसी जी जाऊँगी खुशी की जिंदगी। नहीं, ए, रुक, ए, ए, पकड़ो उसे, छोड़ो, पकड़ो उसे, छोड़ो, आगे ना भाई। छोड़ो, ए, क्या है? अच्छा, यहाँ चल क्या रहा है? सुनो, ये पर्सनल मामला है, तुम टांग मत अड़ाओ, समझे? एक लड़की की इज्जत टूटना पर्सनल मैटर है क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, हम 5 लोग हैं। तुम लोग सही बात कर रहे हैं, तुम लोग 5 लोग, इस लड़की को छोड़ दो। Hey! 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 Hey
आप वहां खड़ी हो जाइए। ये बताइए कौन था वो? वो मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। हिस्नु, क्यों मेघला कल की मेरी बात का जवाब नहीं दिया? सर मुझे बहुत काम है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मेघला देखो तुम कुछ भी बोलो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया हूँ और इसमें कोई बदलाव नहीं। मुझे बहुत सोचना पड़ता है, बाय द वे दिस इज नॉट टाइम टू डिस्कस दिस। कुछ भी हो मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा, टेक योर ओन वे। ऐसा है क्या? व्हाट? हाँ ओके ओके ओके। ए वो मदन तुमसे बार बार बात करता है, चक्कर क्या है? वो मुझसे शादी करना चाहता है। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मुझे सोचने दो। अच्छा हुआ तुमने हाँ नहीं की, वरना क्या हो जाता? क्यों? क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। क्या बात भी, वो मेरे बार बार पीछे ही पड़ा रहा, मैंने बहुत समझाया लेकिन वो समझा ही नहीं। फिर एक दिन ऑफिस में आओ मेघला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम पहले से शादीशुदा होते हुए शादी की बात करने में शर्म नहीं आती? चीट करना चाहते हो तुम? किसी ने मेरे बारे में गलत कहा क्या? गलत नहीं सही सुना है मैंने, रास्ता छोड़ो। मैंने सोचा कि बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, इसीलिए मैंने एमडी को रिपोर्ट की। अच्छा मेरी ऑफिस में काम करने वाले सब मेरी फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। अपने परिवार की समस्या की वजह से लड़कियां काम पे जा रही हैं। उस पर आप ऐसी हरकत कर रहे हो, ये गलत बात है, आपको नहीं लग रहा है? पहले भी इस मामले में आपको मैंने वार्न किया था, इसके बाद भी गलती कर बैठे तुम। सो इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। सॉरी सर। नो मोर फॉरगिवनेस फॉर यू, सॉरी टू से I am dismissing you from our organization. उसकी नौकरी चली गई इसीलिए वो मुझे किडनैप करके मुझसे बदला लेना चाहता था। आगे से केयरफुल रहिएगा। हेलो हेलो, दोस्त तेरी आइटम को किसी ने सही कर दिया? छे छे, मेरी आइटम आग की तरह है, कोई भी पास में नहीं जा सकता। ये कोई साथ में काम करने वाला हो सकता है। अरे तुम 6 महीने से ये बात कर रहे हो लेकिन तुम उसके पास जा नहीं सकते, सिर्फ बोल वचन देते हो। अरे तुम्हारा कभी उससे आमना सामना हुआ है क्या कहीं पर? छोड़ो छोड़ो यार, हम क्या 4 लोगों के सामने देखेंगे? अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे तुमसे मिलने। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर पर मत आया करो, पर तुम सुनती नहीं हो। तो ये लो रखो, जाओ, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। और सुनो ऑफिस भी मत आना। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मुझे भगाते रहते हो। जानना चाहिए। सुंदरी तुमने खाना खाया? क्यों, अब क्या करने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? सुंदरी मैं तुम्हारे गुस्से को अच्छी तरह समझता हूँ। समझ गए ना, चले जाओ, मेरी क्या जरूरत है? शरीर पे लगने वाला घाव तो फिर भी दिखाई देता है, पर पत्नी से पंगा बहुत महंगा पड़ता है। वुंडेड बाय वाइफ्स, ये किताब किसी विदेशी ने लिखी थी, उसकी बात बिल्कुल सही है। कार्तिक भगवान तुमने दो दो पत्नियों को कैसे निभा लिया, तुम वाकई खिलाड़ी हो। यहाँ कौन आ गया? लगता है कोई बतख कपड़े पकड़ के आ गई। क्या मुसीबत है,
परिवार की चिंता करें तो देश की कौन करेगा? तुम्हें क्या परेशानी है? आप ही न्याय करिए। अगर मैं पीऊँ तो मेरा परिवार बर्बाद होगा, ना पीऊँ तो देश बर्बाद होगा। ये मैं किससे पूछूं? सुनो, यहाँ पर एक ओबामा नाम का आदमी साइकिल से आएगा, तुम उससे पूछ लेना, जाओ। ओके, शाबाश बॉस, बिल्कुल सही कहा। ए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तो अच्छा था, आ रहा हूँ बॉस। ये बेवकूफ कहीं के, तुझे पता भी है कि देश और घर में क्या फर्क है? ए, किसे फर्क नहीं मालूम, तुम्हारी दीदी का हाथ मांगा लेकिन शादी तुमसे की। तुमने फ्रॉड किया और उल्टा जवाब देते हो। पाए की तरह ऊंचा ऊंचा। तुम चिंता मत करो दोस्त, ठीक है? तुम ही बताओ फिर। हमारी संस्कृति में पति ही पत्नी का सब कुछ होता है, लेकिन आजकल की महिलाएं ये भूल गई हैं। तुम छोटे से लंबे तो नहीं हुए, लेकिन हरकतें ऐसी करते हो कि सारे मर्दों की नाक कट जाती है। मर्द हो तो मर्द की तरह रहो। मर्द मर्द की तरह रहे तो कोई भी महिला महिला की तरह रहेगी। ये क्या है यार, तुम्हारे मुँह से मेरी बीवी की आवाज़? सुनो, एक बार इधर देखो। ये यहाँ पर कैसे आ गई? पत्नी को छोड़कर किसी और महिला से चक्कर चला रहे हो? अपनी खुशी के लिए अपनी पत्नी को अगर कोई भी पति धोखा दे तो उसकी पत्नी उसे स्वर्ग पहुंचा देगी। तुम ये कान खोलकर सुन लो। ये सवाल तो क्रिमिनल से पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं तो बेचारा आदमी हूँ। तुम बेचारे हो? रुको रुको, अभी मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको, रुक जाओ। Yeah।
ये दूध पी लो सत्या। थैंक यू सुंदरी। मैं भी टीवी में इस तरह की एक्सरसाइज देखती हूँ लेकिन मुझे करने ही नहीं आता है। अरे करेंगी तब होगा ना। क्यों, मैं भी फिट न रहूं? हाँ बिल्कुल रहना चाहिए। आइए 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 इधर आइए, बताता हूँ। इधर इधर और पास में हाँ इधर इधर। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को ऐसे टच करना और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को ऐसे टच करना। अरे सुंदरी ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। इधर 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 खड़े रहो, मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे बस बस पैर फैलाओ, शाबाश। हाँ ऐसे, हाँ अभी राइट से हाँ हाथ फैलाओ। अब ठीक है। के लिए भाग भाग के दूध लाए क्या? ऐसे ऐसा फोटो मैंने कभी अपनी बीवी के साथ भी नहीं बनाया। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ करता हूँ। बहुत बढ़िया भाई। नमस्ते, मेरा नाम अयनर है, मैं इसका पति हूँ। तो मेरी बीवी के साथ चिपक चिपक के क्या कर रहे हो, जान सकता हूँ? इन्होंने एक्सरसाइज पूछा तो वही बता रहा है। अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी थी तो मुझसे भी पूछ सकती थी। तुम क्या जानते हो, बताओ मुझे। मैं क्या जानता हूँ? पद्मासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, तलवार घुमाना, वर्मा कला, ये सारी 64 कलाएं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सिर्फ यही नहीं, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, ऐसी कई विद्याएं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और सुनना, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, आइटम सॉन्ग, मैं तो बैले डांस भी करना जानता हूँ। और ये क्या जानता है, बार बार झुक के जमीन को छुएगा बस। अच्छा तो मुआसन करके दिखाओ। मुंह से बदबूसन कैसे होता है? कोई बात नहीं, सुनो मैं तुम्हें एक्सरसाइज सिखाता हूँ, तुम ध्यान से सीखना। सबसे पहले सांस अंदर लेना है, सूर्य कला और चंद्र कला दोनों काम करते हैं। और उसके बाद इस तरह पैर फैलाने हैं। रेडी, झुको। अरे झुक तो गए हो, अब उठ भी जाओ। मैं झुक तो गया लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ। टाइगर तो काम बिल्ली कभी कर सकती है क्या? टाइगर किसे कहते हैं, बिल्ली किसे कहते हैं? अभी चुप रहा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्मी बहन। माँ दर्द हो रहा है। माँ इस साल पढ़ाई पर ध्यान दो, पास होने की कोशिश करो। अरे माँ तुझे और भाई को कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैं पढ़कर एक अच्छे से जॉब करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। आ गए। लक्ष्मी बहन। हाँ? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, बताओ। मुझे ये शक हो रहा है कि आप और दिव्या कहीं शॉपिंग के लिए गई थी। क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, शुभ बात करने के लिए आया हूँ। हाँ? आप सत्या की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? सत्या को क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है। हाँ? पढ़ाई खत्म कर ली है, काम पे भी जा रहा है, ठीक है। आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं, सिर्फ बेटी के बाल बनाने में लगी हुई हैं, ये ठीक नहीं है। तो और क्या करूँ, बताइए ना। अरे हर बात मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? आजकल कमाने वाले लड़के कम मिलते हैं। आपका बेटा अच्छा कमाता है और वो देखने में अच्छा भी है, सब कुछ ठीक है, पर कोई लड़की उसे भगा ले जाए तो क्या करेंगी? हाँ आप ऐसे ही सोचती रह जाएंगी। क्या बोल रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, समझ गए? ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ वो गलत लड़का नहीं है, बहुत ही अच्छा है, पर जवानी में क्या है, बहकने के बहुत चांस होते हैं लड़कों के। हाँ, इसकी शादी करने के बाद ही हम उसकी शादी करा सकते हैं। अरे इसकी चिंता क्यों कर रही है, ये तो छोटी है अभी, पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करके करियर बनाना है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं इसके। इसकी शादी के बाद अगर सत्या की शादी करने की बात सोच रही हो ना, तो किसी बुढ़िया से शादी कराओगी उसकी, इस चक्कर में कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। फौरन उसकी शादी का इंतजाम करो। तुरंत शादी के लिए कैसे इंतजाम करें, पास पड़ोस में कोई लड़की ही नहीं दिखती। अरे आसपास नहीं है तो कोई दूर की लड़की देखो। दूर का रिश्ता, ये हर बात को बहुत लंबा खींचती है। ठीक है, लड़की देखने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं कर लूंगा, आप सत्या को मनाने का काम कीजिए। अंकल आप कब से रियल एस्टेट बिजनेस छोड़कर आप इस धंधे में आ गए, मुझे पता नहीं था। एक्सरसाइज करने के बाद। हाँ? कुछ नहीं, वो लड़की देखकर बताऊंगा ये कह रहा था। ठीक है भाई, मेरे बेटे के लिए आप अच्छा रिश्ता लेकर आएंगे तो मुझे खुशी ही होगी। आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। पड़ोसी का घर आबाद होगा तो मुझे खुशी होगी ना। सच कहूँ तो आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अंकल लड़की अपने रंग की मत देखिएगा। तुम्हारी शादी तो किसी आदिवासी लड़के से करवाऊंगा मैं। मेरी पहले ही एक बीवी तो भाग चुकी है, अब ये भी भाग गई तो मेरा क्या होगा, बचा लो भगवान। तुम घुमा फिरा करके मैटर पे आ रही हो, मैं सब समझ रहा हूँ। समझ रहे हो तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रहे हो? माँ मैं कितनी बार समझाऊँ आपको, इसकी बिना शादी किए मैं शादी कैसे कर सकता हूँ भला। अरे रे तुम मेरा ख्याल रखते हो, ऐसा नाटक मत करो। मैं अपनी जरूरत अपनी माँ को बताती हूँ, तुम अपने बारे में सोचो।
अभी तुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ दिनों के बाद कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, फिर अकेले रहना तुम। ए, चुप रह। बिना नाटक किए हुए शादी के लिए हाँ कर दो। अरे वाह 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 वाह, दिव्या ने दिव्या बात कह दी। आइए भाई, खाना खाएंगे क्या? सत्या, दिव्या की बात सुनकर शादी के लिए हाँ कर दे। इसकी शादी की दावत खाने के लिए व्रत रख रहा हूँ मैं। क्या अंकल, ये बकवास कर रही है और आप उसका पक्ष ले रहे हो? क्या मैं बोल रही हूँ, आजकल की लड़कियाँ अपने पैर पर खड़ी हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। क्यों, हमारी सुंदरी को देखो, काम पे जाती है कि नहीं? अंकल उसका ध्यान नहीं रखते हैं क्या? हर बात पे मेरी बीवी को बीच में ले आता है। ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? ए, मेरी बात सुन, मेरी बात मानो, ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा हूँ। क्या कहा? हमारी खुशी के लिए? मेरी शादी से आपको क्या खुशी मिलेगी? देखो, मैं तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की खुशी के लिए ये सब कह रहा हूँ और तुम मुझ पर गुस्सा हुए जा रहे हो। अब भी तुम माँ की बात मान जाओ। अरे भाई, ये मानेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? माँ, ये शादी के लिए अगर मना कर रहा है तो शायद ये किसी से प्यार करता है। चुप रह छुटकी, तू मुझसे ऐसी बात मत कर। ये प्यार करने की पॉलिसी मेरे पास नहीं है, समझी? पहले मैं अपनी शादी करूँगा, उसके बाद उसी से प्यार करूँगा। मैंने तो यही सोचा है अभी तक। अच्छी बात है, सत्या ने शादी के लिए हाँ कर दी है। इसके पहले कि इसका मन बदले, इसकी शादी करवा देनी चाहिए। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। जब तक कोई अच्छी लड़की ना मिल जाए और मैं इसकी शादी ना करवा दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ओके। कितना भला इंसान है, हमारे परिवार के लिए कितना सोच रहा है। किसी भी एक लड़की को पसंद करके ओके कर दे तो मुझे शांति मिले। देखो, मुझे दिखाओ। ये देखो, ये लड़की बहुत ही अच्छे घर की, सुशील और सुंदर है। बीए तक पढ़ाई की है। अच्छा। खेत बगीचे और बहुत सारी जायदाद है। हाँ। पिता है पर माँ नहीं है। ये मत पूछना माँ के बिना लड़की कैसे हुई। ये जब 5 साल की थी तो इसकी माँ बीमार होकर मर गई। ये कन्नूर की रहने वाली है। हाँ हाँ। इसके पिताजी ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, स्टेट एजेंट है और बहुत पैसे वाले हैं। ये लड़की हाँ, काठू मुनारू काड़ी। हाँ। इसके घर में भी जायदाद वगैरह बहुत है। हाँ। माँ बाप दोनों हैं, लेकिन कम पढ़ाई की है। रंग भी दबा हुआ है इसका, पर लड़की सोने जैसी है। अच्छा, बाकी सब पीतल है क्या? तू बचपन से ही ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है, मेंटेन रखना, छोड़ना मत। मेरे टेस्ट की लड़की देखने के लिए कहा तो अपनी टेस्ट की देख रहे हैं आप? अरे अगर तुम्हारे टेस्ट के पीछे पड़ेंगे ना तो कोई लड़की मंगल ग्रह से लानी पड़ेगी। क्यों दूल्हा सर, कोई पसंद आई? कोई सही नहीं मिल रही है सुंदरी। सही नहीं, अच्छी कहते हैं उसे। सुनो, मेहरबानी करके ये बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? क्यों अंकल जी, लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, क्यों कन्फ्यूजन कर रहे हैं? एक बात बोलूं मैं, सुंदरी की तरह सुंदर फिगर होना चाहिए लड़की का, बस। ये सामने मेरी बीवी के फिगर की तारीफ कर रहा है। क्या अंकल जी, सांप सूंघ गया क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे क्या जवाब दूं। अंकल कुछ नहीं सत्या, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जाकर तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ लूं। अरे आपके गांव में एक रिश्तेदार की लड़की है, क्या आपने उस लड़की की फोटो दिखाई? मैंने खुद को साड़ी पहनाकर इसे फोटो अपनी नहीं दिखाई, इसके अलावा सब कुछ कर लिया है। ये देखो, इसमें से एक भी पसंद नहीं आई? एक भी पसंद नहीं आई सुंदरी? इस फोटो को एक बार देखो और आराम से जवाब दो। सुंदरी, ये लड़की पसंद है? ऐसी लड़की होगी तो चलेगी। मैंने इतनी लड़कियां दिखाई तो पसंद नहीं आई, मेरी बीवी ने एक दिखाई और पसंद आ गई। ये मेरे रिश्तेदार की बेटी है राजी। हाँ। अगर ये लड़की पसंद है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। आपने अभी तक बात नहीं की? अरे पहले यहाँ ओके हो जाए ना, उसके बाद ही वहाँ बात करूंगा। लड़की पसंद आनी चाहिए ना। ऊपर हाँ। वाले ये भी बड़ी खुश है।
प्यार हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा ख्वाब हो। क्या हुआ जो मेरी जिंदगी में, अरे अरे क्या कर रही हो, हमारे पैर छूने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये डर है या संस्कार है तुम्हारे? तुम जानती हो मैं सुहाग रात कैसे मनाना चाहता हूँ, सुनोगी तो बहुत हंसोगी तुम। बैठो ना। अरे आश्री, 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 आश्री क्या हुआ, क्या हुआ आश्री, आश्री क्या हुआ? स्कूल जा रही हूँ, नाश्ता तैयार है? हाँ दे रही हूँ, चलती हूँ माँ। संभाल के जाना बेटी। चलती हूँ भाई। दूल्हे राजा सत्या, अरे उदास क्यों बैठा हुआ है? अरे हंसो। क्यों भाई सब ठीक तो है ना? इतना डल क्यों लग रहे हो? अरे तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं है? दिमाग होता तो तुमसे शादी करता क्या? सुहाग रात के बाद दूल्हा दुल्हन थक गए होंगे। बिल्कुल सही, हम तो सुहाग रात के बाद सो ही गए थे। क्या सत्या, मुझे लगा तुम अभी सो रहे होगे, दरवाजा खटखटाकर मुझे उठाना पड़ेगा यही सोचकर मैं यहाँ आई। ये देखो अभी भी तुम्हें नींद आ रहा है। मैं बहुत दुखी हो गया। दुखी हो गए? ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ भी नहीं हुआ? अरे तुम क्यों घबराते हो? घबराओ नहीं तो क्या करूं? कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए दौड़ दौड़ कर ये शादी करवाई, लेकिन ये कह के इसने मेरी मुसीबत और बढ़ा दी। तुम क्या बक रहे हो? वो क्या है कि घबराहट में मुंह पे कंट्रोल नहीं रहता। अब मुझे समझ में आया, वो आपकी गांव की लड़की है ना, वो भी तुम्हारे जैसी ही होगी। बताती हूँ, पहले उससे पूछ लेती हूँ। सत्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। कि मैं हूँ ना, चिंता मत करो, कहीं इसकी बात का कोई और मतलब तो नहीं है ना। चिंता मत करो सत्या, तुम सही कह रहे हो ना, कुछ नहीं हुआ। आओ लक्ष्मी आओ, इतना सब करने के बाद भी हमें खुशी नहीं मिलेगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ उसका तो हमेशा उल्टा ही हो जाता है। अरे तुमसे किसने पूछा, तुम चुपचाप बैठो। सत्या अभी दुखी है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं सुंदरी, बाहर की दुनिया नहीं देखी है, वीरा ने कुछ बोल दिया उसे, और बहू ने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं था, उसका व्रत है, कमरे में जाकर कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई और कुछ नहीं। अरे फिर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, ये बस डर गया, इसने मुझे बुलाया और कहा ये देखो क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक है। ओह इसलिए एक पूरब और एक पश्चिम में खड़े हुए हैं, आप जाइए बात करती हूँ। ठीक है ठीक है, चलो बात करते हैं। अरे तुम कहाँ आ रहे हो? अरे क्या बात कर रही हो, राजेश्वरी को समझाना चाहिए ना। पहले तुम सुधरो बाद में दूसरों को सुधारना, घर में दरवाजा खुला है जाकर संभालो। ये तो अन्याय है, बंद दरवाजा खुलवाने के लिए बुलवाया और खुला दरवाजा बंद करने के लिए बोल रही है। एक कनेक्शन टूटता है तो एक बन जाता है, कहीं सिंगल कनेक्शन से डबल लाइट तो नहीं जलेगी? ये क्या है राजेश्वरी, तुम तो पढ़ी लिखी लड़की लगती हो, तुम क्यों छोटी लड़की की तरह हरकतें कर रही हो? नहीं दीदी वो कल सारी बातें तुम्हारी दीदी कह रही थी। सुनो सत्या बहुत ही अच्छा लड़का है, वो जिम्मेदार लड़का है, तुम मन में कुछ गलत फहमी मत रखो, उसे ऑफिस जाना है, देखो उसे लेट हो रही है, जाओ उसे गेट तक छोड़ के आओ और अच्छे से बात कर लो, कल जो मिस किया उसे दोबारा मत करना, समझ गए? आप भी ना। आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं मैं अपने आप से नाराज हूँ। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। भरोसा करो तुम पर। ठीक है तो एक काम करो, तुम जाकर तैयार हो जाओ
हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। तो फिर ऑफिस? अरे ऑफिस को छोड़ो ना अभी, सासू माँ को बोल के आती हूँ। माँ की चिंता मत करो, मैं उनको बता देता हूँ, तुम जाओ जल्दी। राजेश्वरी ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ पसंद है तो ले लो। आप ही सेलेक्ट करिए ना। वो साड़ी कैसी है? ओके। वो लड़की पहनी है जरा देखो। चीची। खैर छोड़, उस गुड़िया को देखो। आप ये सब चीजें दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए हैं क्या? आप तो पत्नी व्रता की तरह बातें कर रहे थे। ए, क्या बात कर रही हो? इन सब ड्रेसों से तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में कैसे कह सकती हो? हाँ हाँ मुझे समझ पता है कि तुम्हें मेरा सिलेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो तुम्हें क्या पसंद है खुद सेलेक्ट करो, मैं जाकर के बाहर बैठता हूँ। सुनिए चलो। अरे छोड़िए ना, बीच सड़क पे मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। अरे पत्नी का हाथ पकड़ना गलत है क्या? गलत नहीं है, पर इस तरह हाथ पकड़ना पैर पकड़ना ये सब घर में अच्छा लगता है, पब्लिक प्लेस में अच्छा नहीं लगता है, समझे? अरे मैंने अपने साथ चलने के लिए बोला तो गलत हो गया क्या? हाँ हाँ समझ गई, आप आगे चलिए। तुम तो बहुत अकड़ू हो यार, तुम्हारे साथ आने से अच्छा था कि मैं ऑफिस ही चला जाता। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे समझाऊं। ऑटो जल्दी चलिए सर, काम खत्म करना है। अरे अगर किसी से इन्हें पैसे लेना होता ना तो ये दौड़ कर आ जाती, पैसे देने हैं ना इसलिए इनसे चला नहीं जा रहा है। अरे ये क्या सर, दीदी आपको कितना प्यार करती है तन मन से, तो फिर आप हर बेचने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो? आप मुझे दो दिन से जानते हैं लेकिन मेरे दिल का पूरा हाल समझ गए हैं आप। कैसे जी? सब मेरे अनुभव की वजह से। तुम्हें डर लग रहा है? कुछ भी मत सोचो, जो काम करने आए अरे देख क्या रहे हो, आकर जल्दी बैठो ना। आधा यहाँ क्या पढ़ोगे? आइए आइए बैठिए। क्यों दीदी, भाई ने ओके कह दिया ना? बकवास करते रहते हो सिर्फ। साहब जो पार्टी बताई थी वही है सर, डॉक्यूमेंट्स दीजिए। मांग रहे हैं दो ना। इस फाइल में है क्या जो इतने प्यार से दे रहे हैं? जिले के डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में। अभी ये एरिया चेन्नई सिटी लिमिट में आ गया है। तो मैं कौन से शहर की बात कर रहा हूँ, चुप रहो ना। माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम है। तो ये कौन है? मैं भी इनकी पत्नी हूँ, माधवी नाम है मेरा। ये इसकी वो है, जायदाद इसकी पत्नी के नाम पर है, लेकिन अब सब कुछ यही संभालने वाली है। आप डील खत्म करिए। डील हो गई तो 5 लाख, 5 लाख कमीशन मिलने वाला है। बिल्कुल क्लियर कर दीजिए सर। जायदाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाड़े की पत्नी से हजारों प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, उसका क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, ये सब देख लेंगे। आप जल्दी से कागज देख कर मुझे पैसे दीजिए बस। आप कितना मांगती हैं? जो भी मिलेगा मुझे चलेगा, लेकिन आप अपना कमीशन लेके मुझे पैसे दीजिए, मैं इंतजार नहीं कर सकती। साहब दीदी जैसा बोल रही है वैसा करिए, कोई समस्या नहीं होगी, बाकी मैं देख लूंगा। तुम तो पहले से देख रहे हो मुझे, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्स में महालक्ष्मी का नाम है, महालक्ष्मी के साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो सब ये देख लेगा जी। तो कोई बात नहीं, भेज देंगे, वो छोड़ो। वैसे सर आप क्या कहते हैं? ये कुछ नहीं कहेगा, आप डील फाइनल करो। सर बात नहीं करेंगे? ये कुछ नहीं कहेंगे, मैं जो कहूंगी मान लेंगे। सर ऐसे चुसे हुए आम की तरह क्यों बैठे हुए? अरे ये नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी डबल ड्यूटी करके आ रहे हैं। ये कौन है? मेरे पति हैं। सिर्फ मोटे होने से कोई फायदा नहीं, ये तुम मत बताओ। ठीक है जल्दी बेच कर पैसे देता हूँ। हम दोनों खाना खाएंगे। पहले आप खाना खा लीजिए। तो नहीं जी।
मैं चेंज करके आती हूँ। आप भी ना, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। हाथ क्यों धो रहे हैं जी आप? तुम्हें देखकर ही भूख मिट गई मेरी, जल्दी से खा के कमरे में आ जाओ। साफ करके बर्तन ठीक से रख रही हूँ ना? मैंने तुमसे क्या कहा था? खाना खा करके कमरे में आओ। इस समय ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें तो अरे 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 क्या हुआ सत्या? क्या हुआ बहू? कोई समस्या है क्या? नहीं सासू माँ, बर्तन साफ करके ठीक से रख रही थी। हाँ? तो अचानक से बर्तन की बात है। अरे मैं तो डर गई थी। तुम अभी ये सब काम क्यों कर रही हो? मैं कर लूंगी। अरे तुम्हारे हाथ से बर्तन गिर गया और ये तुम्हें डांटने लगा, ये क्या बात हुई? अरे बेटा गलती से गिर गया होगा, तुम झगड़ा क्यों करने लगे हो? अरे माँ तुम भी ना, मैंने काम करने के लिए थोड़ी कहा। कौन सा काम करने के लिए कहा? वो क्या है माँ की वो मैं क्या कि अभी एक लाफा मारूंगा इसको। तुम धमकी क्यों दे रहे हो इसे?
औरतें पहले घर का काम खत्म करती हैं, बाद में बाकी काम देखती हैं। तुम जाओ बहू, मैं सब कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम जो है इसी किचन में पड़ी रहो, बेडरूम की तरफ आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। भाभी वो ऐसे चिल्लाता है, उसके बात पर ध्यान दो, तू जाके सो जा, नहीं तो मार खाएगी। कमरे में अगर आई तो ठीक नहीं होगा। चुपचाप जा अपने कमरे में। सासुमा, अरे वो तुझे कुछ नहीं कहेगा, तू जा उसके पास, जा थोड़ा हंसते हुए जा बेटी, जा। नमस्ते। आई आई, नमस्कार। तुम इस आदमी की पत्नी को पटाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ इसकी रखेल को भी पटाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी हालत में गाड़ी सिर्फ खड़ी हो सकती है लेकिन आगे नहीं चल सकती। आई पार्टी आया है, फटाफट रजिस्ट्रार ऑफिस में फोन करा के ये रजिस्ट्री का काम छोड़ के आप मोटू की बातों में क्यों लगे हो? इसमें तो दिमाग वैसे भी कम है। रजिस्ट्रार हमारा आदमी है, हम जब चाहे रजिस्टर कर ले, इसके लिए परेशान क्यों हो? नमस्ते जी, बैठिए। मेरे पति बैठेंगे, मैं नहीं। इसे कहते हैं पति भक्ति। इनके कहने का मतलब है कि आदमी खड़ा हो तो औरत को नहीं बैठना चाहिए, इनके कहने से बारिश भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, पढ़ लीजिए। नहीं जी, ये सब महंगी होती जा रही है, फिर हम जायदाद नहीं खरीद पाएंगे। जायदाद औरत के नाम से होगी तो पंगा होगा भाई। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या साइन भी करोगी? तुम साइन करोगी, तुम ऊपर एक साइन कर। किसी का भी इस तरह का व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। सुनो, वो तुम्हारा पति है, तुमसे कितनी विनती कर रहा है और तुम्हें उस पर रहने दिया था? एक पत्थर की तरह खड़ी हो तुम, तो मेरी पत्नी से भी कड़क हो, जरा सा ही तो इंक्वेस्ट होगा। और इतनी सी बात के लिए खामखा क्यों परेशान हो रही है? ठीक है, अभी आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, साइन करते हैं। करो करो, तैयार हो? करो। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे भागो, अरे ऐसे क्या हो रहा है? अरे राजेश्वरी। हाँ आ रही हूँ। राजेश्वरी, पास में आके बैठो ना। नहीं। अरे पास में आके बैठो ना, ऐसे कर देते। अरे छोड़िए ना, चलिए। नीचे गिर जाओगी, पकड़ के बैठो। नहीं जी, मैं ठीक से ही बैठूं। अरे ये क्या दरवाजा क्यों खुला है? राजेश्वरी, राजेश्वरी क्या हुआ बहू, तुम्हें चोट कैसे लगी? ए क्या हुआ इसे? उसी से पूछिए आप। क्या हुआ बेटी? सासुमा, मेरी क्या गलती है आप ही बताइए। सासुमा, मैं ना बाइक पे बैठते वक्त इन्होंने मुझसे। अरे क्या बात कर रही हो तुम? माँ, मैं इसका पति हूँ ना। इसमें कोई शक है क्या? हाँ, बाइक पर बैठते समय नीचे ना गिरे मैंने इसे कहा कि तुम मुझे पकड़ करके बैठो। ठीक है, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानी, पता नहीं इनको कितनी शर्म आ रही है। ए, तुम ज्यादा बकवास मत करो, आगे क्या हुआ वो बताओ। यही हुआ। क्या माँ, कहानी सुन रही हो क्या? बाइक से गिर गई क्या? नहीं, पलट गई थी। नहीं सासुमा, मैं अच्छे से पकड़ के बैठी थी लेकिन अचानक से ब्रेकर आ गया और स्पीड ब्रेकर के आते ही इन्होंने। स्पीड ब्रेकर अचानक आ गया था ना? तुम बिना कुछ भी बोलती रहती हो। जो हुआ उसे छोड़ो, बात बात में चिल्लाया मत करो। अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, इसकी वजह से चिल्ला रहा हूँ मैं। इसके गिरने की वजह से सब मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे सड़क पे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। आप लोग आपस में बात करो। नमस्ते साहब। आ जाओ। यही देखने आए हो ना कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? मर गया होता तो लाश उठाने की कोशिश करते है ना। नाराज क्यों हो, ये हम समझ गए, आप हमारे बारे में सोचते तो ऐसा नहीं होता। ये गलत को गलती से भी गलत मत कहना, और गलत को गलत कह भी दिया तो किसी से कहना मत कि ये गलत है, वरना पिटोगे। मुझसे चला कि नहीं चलेगी, वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। मुझे गुस्सा है, इससे पहले चले जाओ। साहब
उस औरत ने आपको बहुत पीटा ना, इसलिए आप हमसे नफरत करने लगे हो। ए, पिटाई करती तो चलता था, ये तो उससे भी बुरा हुआ। पूरी कमर तोड़ दी, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। बेकार की हरकतें तुम लोग करते हो और फालतू में मार मुझे खानी पड़ती है। साहब, मार पीट काटना चुगली करना ये सब अपने धंधे में चलता है साहब, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ए, मोटे, अगर आदमी मारे तो मन को इतना दुख नहीं होता। पर एक औरत ने मेरी कपड़ों की तरह धुलाई की है और तुम लोग मुझे बजाने के बजाय यहाँ से भाग गए, ये कहाँ का न्याय है? भाई, उस औरत ने जब आपको जोर से पंच पे पंच मार रही थी ना, तो हम चाय की दुकान में भाग गए। क्यों, चाय पीकर मजा लेना चाहते हो? नहीं साहब, गर्म पानी ला के उस महिला के मुंह पर फेंक कर आपको बचाना चाहते थे। तुम लोग गर्म पानी फेंकोगे जरूर, लेकिन उस औरत पे नहीं, मेरे मुंह पर फेंकोगे। आइंदा मेरे ऑफिस में मत आना। अगर कभी दोबारा तुम्हें इस ऑफिस में देखा ना, तो मैं तुम दोनों का जूस बना करके ऊंट को पिला दूंगा। जाओ यहाँ से। ये आदमी महिला से मार खा के भी नहीं सुधरा, और तुम? अरे इससे बढ़िया ऑफिस में जा मिल जाएगी हम लोगों को। चलो यहाँ से, चलो काम ढूंढो यहाँ से। ये लोग तमाशा करने के लिए आ जाते हैं और मेरी वाट लगा देते हैं। ये क्या जी, आपको जरा भी अकल नहीं है क्या? कमरे में अचानक घुस गए? अरे अपने कमरे में घुसने के लिए सोचना थोड़ी है मुझे। अरे समझने की कोशिश कीजिए, मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ ना, जाइए ना आप। अपनी पत्नी को भी देखने का मेरा अधिकार नहीं है क्या? तुम साड़ी पहनो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ ऐसे। सुनिए जी, ऐसी बातें करने में आपको शर्म नहीं आती? तुमसे बात करने के लिए मैं क्यों शर्माऊंगा? समझ गई मैं, आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। अब आप जाएंगे या नहीं? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? जिनकी नई शादी होती है उनको देखो, कितने मस्ती और प्यार से अपनी जिंदगी जीते हैं वो लोग। तो मैं अभी बाहर नहीं जाने वाला हूँ, बस। आप इंसान नहीं है, जानवर हैं आप। रुको, क्या कहा तुमने? सुनिए जी, मैं बड़ी ही संस्कारों में पली हूँ, इस तरह बेशर्मी से एक मर्द के सामने खड़ी नहीं रह सकती मैं। क्या हो गया तुम्हें? मैं बाहर वाला हूँ क्या? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? पति हूँ तुम्हारा। पति भी मर्द ही है ना। राजेश्वरी, तुम मेरी इज्जत करती हो या नहीं करती हो? आप करते हैं क्या? मुझसे जुबान लड़ाती हो? तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। अरे ये क्या, मैं चटनी लाने गई और तुमने खत्म कर दिया? इडली और चटनी बहुत ही अच्छा बना था। ऐसा क्या? चटनी बनाई इसके लिए तो और दो इडली खाओ ना। मैं हमेशा तीन इडली खाती हूँ, लेकिन आज चार इडली खाई हूँ। मैं निकलती हूँ माँ। बेटा आज लेट हो गए क्या? मैं और इडली लेकर आती हूँ। कैसी इडली है? किसने बनाई है? तुम्हारी पत्नी ने बनाई है। क्या हुआ बेटा? कोई इंसान कैसे खाएगा इसे? ये क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे करता है क्या कोई? देखो तो। दीजिए सासू, कोई बात नहीं। आप मुझसे नाराज है ना, तो मुझ पे दिखाइए, खाने पे क्यों दिखाना? ये सब तो बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए वो नहीं पता। इस तरह से मुझ पर ताने मत मारिए आप, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। जरा भी दिमाग नहीं है इसके पास। जिस घर में इज्जत ना मिले उस घर की लड़कियाँ ऐसे ही होती है बस। ए, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, और इसीलिए आपके परिवार में आकर इज्जत सीखने के लिए भेजा गया है मुझे। तुम मेरी माँ के सामने मुझसे जबान लड़ा रही हो, यही मर्यादा है तुम्हारी? मान मर्यादा की बातें ना आप तो मत ही कीजिए, पहले ये सब आपको सीखना चाहिए। ए, तुम मुझसे जुबान लड़ाती हो? ए, ऐसा क्या हुआ जो तुम इसे थप्पड़ मार रहे हो? कहाँ से सीखा तुमने? ओ, आपने मुझ पर हाथ उठाया। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इससे बात करती हूँ, समझाती हूँ इसे मैं। जाओ तुम, जाओ। ये सब क्या है सत्या? इसे ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। ए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और तुम इस तरह से लड़ाई कर रहे हो? अरे कोई समस्या हो तो मुझे बताओ ना तुम। मैं क्या बताऊँ माँ, ये बोलती है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे पास मर्यादा नहीं है और ना ही कोई इज्जत है। ये सब देखकर मैं चुप रहूंगा क्या? पता नहीं किस देहाती लड़की से मेरी शादी कर दी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता बस। ए? इसकी वजह से मेरी सुख शांति सब चली गई है। ये क्या है बेटी? नहीं सासू माँ, मैं इस घर में रहूंगी ना तो इज्जत नहीं मिलेगी। माँ, ये इस घर में रहेगी तो मुझे भी इज्जत नहीं मिलने वाली है, भगाओ इसे। तुम चुप रहो, इसकी बात का बुरा मत मानो बहू, लाओ मुझे दो, तुम अंदर जाओ। नहीं सासू माँ, मेरी वजह से सुख शांति नहीं बिगड़नी चाहिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं बहू, माँ तुम इसे मत रोको प्लीज, जाने दो इसको, जाकर के मर दे दो।
केशरी। मुझे ढूंढ रहा है, कहीं मिल गया तो कत्ल कर देगा। अरे लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी बहन, अरे लक्ष्मी बहन, आओ बहन, तुम्हें कुछ पता चला क्या? अरे बताओ तो तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करूं भाई, वो दोनों जिद पर अड़ गए थे, मैं क्या कर सकती थी बताइए। हो, 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 अब मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं, को समझ में नहीं आ रहा है, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या, आपने लड़की को अकेले भेज दिया? मेरे चाचा का बेटा थोड़ा आकड़ू है, अब पता नहीं उन दोनों का क्या होगा। उसके जाते ही मैंने फोन किया था, फोन पर ही डांटने लगे। डांट रहे थे? जब फोन पे बात करने से डांट रहे थे तो सोचो अगर सामने आ जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, सामने खड़ा करके तलवार से दो टुकड़े कर देंगे। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर दूंगा। आजा, काट दो, बहुत खुशी होगी, ये अरमान भी पूरा कर लो, देख लो ये काम खुद करेगा ये। बेटा तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी कराई है इन्होंने। ये बोलना जरूरी है? सुनो, हालत को समझो जरा। सुनो सत्या, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होना तो एक आम बात है, उसके लिए घर से भगाना अच्छी बात है। किसने भगाया है? वो खुद भाग करके गई है, मैं क्या करूँ उसके लिए? अरे वो कोई लड़की है क्या, हर बात पे अकड़ती रहती है, सब आपकी वजह से हुआ है। देखा बहन, सत्या जुबान संभाल के बात करो, मैंने कहा राजी एक अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। अब देखो मेरी भी अपनी बीवी से बहुत लड़ाई होती है, वो हमेशा मुझे डांटती रहती है। एक दिन हम नाइट शो देखने के लिए गए, वो घर के अंदर गई और रात भर मुझे बाहर खड़ा किया, सुबह दरवाजा खोला और बोली कि घर में घुसकर मुझे भूल गई थी। इज्जत करने लायक नहीं है वो। क्या, तुम्हारे जैसे बेइज्जती मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। सत्या, मैं शुरू से देख रही हूँ कि तुम ज्यादा ही बोलते जा रहे हो, आखिर ये बताओ कि उसमें कमी क्या है। बस माँ बस, अपने लिए नौकरानी ढूंढो लेकिन मेरे लिए पत्नी मत ढूंढो प्लीज। तुझे है ना, उससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, दिखने में एकदम महालक्ष्मी जैसी है। महालक्ष्मी है ना, तो जा करके पूजा करो तुम दिन रात उसकी। गंवार लड़की से शादी करा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने। क्यों किया ऐसा तुम लोगों ने? धोखा नहीं दिया वो तो सब तुम्हारी खुशी के लिए किया। अगर आगे से ऐसी बात की ना तो मैं इज्जत देना भूल जाऊंगा। अभी कौन सी इज्जत दे रहे हो? सत्या, ए सत्या, हेलो, आप आप मुझे भूल गए ना, उस दिन आपने मेरी मदद की थी और आप कौन हैं, क्या हैं, बिना बताए ही चले गए थे। यस यस यस, आप यहाँ कैसे? मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, आप भी चलिए ना। नहीं, मैं किसी और। अरे चलिए ना आप, मेरा घर पास में ही है, आपको चलना ही पड़ेगा, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो आइए, प्लीज आइए। आइए ना। आइए पिताजी। ये क्या, कहाँ से भीग के आई हो? अरे साथ में कौन है? पिताजी, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, किडनैपर ने मुझे किडनैप किया था और जिन्होंने मुझे बचाया था वो यही हैं। अच्छा वो है, घुमाइए भाई, बैठिए ना। मेघना, जाओ इनको टॉवल ला करके दे दो। हाँ। भाई, अगर तुमने बेटी को नहीं बचाया होता तो आज मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बेटा तुमने बहुत बड़ी मदद की है मेरी, लेकिन तुम कौन हो, अपने बारे में बिना कुछ बताए ही चले गए। सर, एक लड़की को बचाना ये मेरी जिम्मेदारी है, सबको करना चाहिए सिर्फ मुझे नहीं। ये बात तो हर मर्द को सोचना चाहिए, तभी लोग सुधरेंगे। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। बेटा तुम रहते कहाँ पर? जी अन्ना नगर में। ओह, काम क्या करते हो? बैंक में काम करता हूँ। वेरी गुड। घर में माँ बाप हैं? पिताजी तो नहीं है, सिर्फ माँ है मेरी, इकलौती बहन है जो पढ़ाई करती है। ऐसा? जी सर। मेघला भी अद्यार में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है। जस्ट वन सेकंड। हाँ, हमारा गांव में अच्छा कारोबार है और मेघला मेरी इकलौती बेटी है। जिस दिन इसकी शादी हुई थी, मंगलसूत्र पहनकर एक घंटा भी नहीं हुआ था कि गाड़ी के एक्सीडेंट से दूल्हा और सारे परिवार को खो दिया। इसीलिए अब हमारा रिश्तेदार कहने को कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब हम बस
यही सोचकर जी रहे थे कि इसकी हम किसी अच्छे परिवार में शादी कर दें। क्या पिताजी, आते ही हमारी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बता दी ना आपने। बीती हुई बातों को अच्छे लोगों से कहने से कोई गलत नहीं होता बेटा। सुनकर बहुत तकलीफ हुई मुझे। किस्मत में जो कुछ भी लिखा होता है उन्हें वही मिलता है। ये सब छोड़िए ना, आप चाय पीजिए। उसके बाद तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई ना? उसके बाद तो मैंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी। लगता है आपसे बहुत डर गया होगा वो। जी जी, मैं चलता हूँ अब। हाँ, अगर समय मिले तो आते रहना बेटा, हम भी समझेंगे कि हमारा कोई रिश्तेदार है। जी जी ठीक, चलता हूँ। पिताजी की बात का बुरा मत मानिएगा। इसीलिए पत्नी की जरूरत होती है। जिंदगी भर माँ और पड़ोसी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते ना। शुरू हो गए फिर। हाँ, सुंदरी कुछ गलत बोल रही है क्या? छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर पत्नी को घर भेज दिया, अभी किसका नुकसान हुआ? इसका ही नुकसान हुआ है। लड़की को दुनियादारी समझनी चाहिए और जिम्मेदारी से पालन करना चाहिए। जिम्मेदारी से नहीं, गैर जिम्मेदारी से पाला है क्या? आप इसमें 100 नुक्स निकालते थे, ऐसे मत करो वैसे मत करो, हमेशा डरा कर ही रखा है इसे आपने। ढंग से पाला, इसमें कोई गलत बात है क्या? आपने ढंग से पाला उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो डरा कर रखा वो गलत है। इसको इसीलिए पढ़ाया लिखाया, ये तो समझना चाहिए ना। अब नहीं समझ रही तो मैं क्या करूँ इसमें? तुम कुछ मत करो, तुम ससुर जी के घर जाकर अपनी पत्नी को लाओ। मैं उसे नहीं ला सकता बस। अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा बताओ? लड़की देखने गए थे तो बहुत खूबसूरत लगी थी, शादी के बाद ही बुरी लगने लगी। माँ, फालतू में उसकी बात मत करिए। अरे तुम्हारा पति है वो, अरे कुछ न कुछ तो वो बोल देगा ना। इसका मतलब क्या, वो जो कहता सुन के चुप रहती क्या? मैं इतनी सारी बातें नहीं सुन सकती। अरे उसने क्या ऐसी बात कह दी जो तुम्हें? अरे पिताजी, कैसे समझाऊं मैं आपको, उसकी हरकतें ठीक नहीं है और वो मुझे मेरी हरकतों के बारे में बोल रहा था। मैं उनके हिसाब से नहीं चलूंगी। ए, क्या ये पागलों जैसी बातें कर रही है? अरे ये कैसी लड़की है और इसकी माँ भी कैसी है? अब तुम लोग अपने हिसाब से जियो। इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक, मेरा नसीब ही खराब है, सारा इल्जाम मुझ पर ही आता है। मेरी बात सुनो राजेश्वरी, शुरू शुरू में बेटा सब मर्द ऐसे ही होते हैं, तुम्हें ही थोड़ा संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें ही अपनी गृहस्थी संभालनी पड़ेगी बेटा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। बनने दो नर्क माँ, चाहे कुछ भी हो, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। मैं वहां से आ गई, एक बार भी कोई मुझसे मिलने आया क्या? इतनी अकड़ है तो, अगर उसमें इतनी अकड़ है तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जब तक वो खुद आके मुझे ले नहीं जाता मैं यही रहूंगी। क्या है? अर्जेंट है, भाई साहब को बुला दीजिए। वो अभी घर पर नहीं है। क्या कहा? 50 करोड़ का बिजनेस मेरे हाथ से चला जाएगा, अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो हेलो, साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। साहब अभी कहाँ हैं आप? साहब पार्टी रेडी बोल दिया है उसने, आप जल्दी से आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा, तुम 10 मिनट वेट करो। जल्दी आइए साहब। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। इंतजार करता हूँ। आ रहा हूँ, देर मत करिएगा। अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? आइए। अरे उसकी जरूरत नहीं है, बस पानी दे दीजिएगा सादा, चल जाएगा मेरा काम। सुनिए, आप पहले से बहुत पतली हो गई हैं। क्या बताऊं, उस आदमी की हरकतें अच्छी नहीं है। क्यों, उसमें क्या कमी है? अच्छा कमाई करता है, रिश्तेदारों का झंझट नहीं, सब कुछ एकदम सेटल है उसके पास, सुंदर सी पत्नी है। तो क्या है ना, मुझसे जो है 7 साल बड़ा है वो बस। मुझे उम्र का कोई चिंता नहीं है। फिर किस बात की चिंता? गलत लोगों के साथ घूम रहा है ये सोच के मुझे चिंता होती है। आप क्या कह रही हैं? आदमी नहीं औरत नहीं, बीच वालों के साथ रहता है।
अरे रे रे रे, मैं सब समझ गया। इंसान लोग टेस्ट के लिए ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। गलत बात। इतनी सुंदर पत्नी है फिर भी इधर उधर मुंह मारना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी मति मारी गई है। नमस्ते। पीछे कहाँ जा रहे हो? सामने आओ। मुझे सर से बात करनी है, तुम अंदर जाओ। क्या बे, तू मेरी बीवी को इतना चढ़ा क्यों रहा है? ऐसा इंसान हूँ क्या मैं? नहीं साहब। तो उसकी बातों में हाँ में हाँ क्यों मिला रहा? भाभी जी की बात सुन करके मेरा मन पिघल गया साहब, इसलिए मैं थोड़ा सा बहक गया था साहब, माफ कर दीजिए। देख रहा है ना, सूखी लकड़ी चल रही है और तू ऊपर से आग में घी डाल रहा है। कुछ कमी रह गई हो तो पूरी कर ले। साहब बुरा मत मानिए, मैं तो 50 करोड़ का बिजनेस लेकर के यहाँ आपके पास आया था। 50 करोड़ के बिजनेस की बात करने के लिए आया था तो मेरे मामले में क्यों पड़ा? और बिजनेस की बात तो ऑफिस में होती है, तू यहाँ क्यों आया? आपने फोन पे कहा था वेट करने के लिए। सुन ले, तू यहाँ क्यों आया मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू देख कहीं और रहा है लेकिन तेरा निशाना कहीं और है। मेरे आने से पहले ही तूने बखेड़ा खड़ा कर दिया। आगे से तुम इस घर में ही नहीं, इस एरिए में या आसपास भी कहीं दिखाई दिए ना तो जिंदा नहीं बचेगा। चल निकल। मेरा मुर्दा यहाँ पे आ जाएगा लेकिन मैं कभी नहीं आऊंगा। शमशान घाट नहीं है कि मुर्दा आएगा। चल निकल। हाँ जी, 16203 है ना? हाँ जी, 10 दिन और लगेगा, थोड़ा जल्दी भेजिए। हाँ ठीक है। नमस्ते समधिंग जी। नमस्ते, आइए आइए आइए। सत्या, देखो तो कौन आया है। कैसे हैं आप? घर पर सब कैसे हैं? राजेश्वरी ठीक है ना? हाँ, सब लोग अच्छे हैं। राजेश्वरी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उसे छोड़िए। दामाद जी घर पे हैं या ऑफिस चले गए? वो भी राजेश्वरी के जाने के बाद से परेशान हैं। ठीक से ऑफिस भी नहीं जा रहा है, बार बार छुट्टी लेता है। कैसे बताऊं आपको? आइए भाई। नमस्ते, आप कैसे? भाभी नहीं आई? मेरी बेटी शादी के कुछ दिन बाद वो नाराज होकर आ गई। गांव वालों को अब हम क्या जवाब दें? वो लोग बार बार पूछते हैं ससुराल क्यों नहीं जा रहे। ना समझ है बच्चे, अभी बेवजह लड़ाई झगड़ा कर लिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भाई बैठिए ना। आप किसी को बोलकर कुछ फायदा नहीं। आप लोग बात कीजिए, मैं आ रही हूँ। एक मिनट समुदीन जी, इसे ले जाइए। इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं, ले जाओ ना, ले जाओ इसे। क्या लड़के की शादी के लिए 300 बार फोन किए और 32 बार तुम आए, अभी उसे समस्या हुई तो तुम उसे अकेले अनाथ की तरह छोड़ दिए। तुम इंसान हो? नहीं, उस समय मैं गांव में। बात मत करो, तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ रहा है। पैसे देके छोटी लड़की को किडनैप करा के शादी किए थे तुम। अब आप ऐसी बातें मत कीजिए, उस समय के पाप की सजा अब तक भुगत रहा हूँ। गांव में आओ, तैयार किया है तलवार, एक ही बार में काटूंगा। लीजिए। नहीं, मैंने पी लिया है। लो ला दो, पियो। भाई ये दामाद जी, कैसे हो? ऑफिस जा रहे हो? हाँ, आपकी बेटी के जाने के बाद बिल्कुल अच्छा हूँ। ए सत्या, अपने ससुर जी से ऐसे बात करते हैं क्या? और क्या बात करूँ, जो सही है वही कहूँगा ना। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो क्या तुम ससुर जी से बदतमीजी करोगे? जाने दीजिए सब, आज के बच्चे ऐसे ही होते हैं। हमें ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके मन को दुख पहुंचे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ठीक कहा, अपना दुख खुद ही संभालना पड़ेगा। नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि शादी के बाद लड़की आंसू बहाती हुई घर आए तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या? नहीं कुछ नहीं। सुनिए, हमने नहीं भगाया है, वो खुद यहाँ से भाग कर गई है। माँ मैं चलता हूँ। सत्या, सत्या थोड़ी देर सबके साथ बैठो ना। समझी जी, आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा
जितना भी गुस्सा हो, लेकिन ससुर जी घर पर आए हैं तो थोड़ा तो समझना चाहिए। देखो ना, सीधे मुंह बात भी नहीं की और फटाफट बाहर चला गया। पता है ना भाई साहब कितने बड़े आदमी है, इनका पावर तो तुम जानती ही हो। अरे इनका नाम बस सुन ले, दस दस गाँव के आदमी। अपनी कहानी बंद करो। तुमने जो अभी बोला है उसे तुम खुद ही सोचो। क्यों मुंडी हिला रहे हो, क्यों घूरते हो? जरा भी बोलूं तो मेरे ऊपर चढ़ क्या है? नहीं कुछ नहीं। आजकल के बच्चे कुछ समझते ही नहीं है, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लेते हैं और झगड़ा कर लेते हैं। जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो समय सब समझा देगा, तब तक हमें एडजस्ट करके चलना चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। वो राजेश्वरी को जब लेने जाएगा तो आप भेज दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ऐसा करेंगे तो शांति से जिएंगे। ठीक है, मैं चलता। अरे खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी, अभी बना। नहीं 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 समझेंगे, नहीं। सारी समस्या को खत्म होने दीजिए और सब ठीक ठाक होने दीजिए। सिर्फ एक दिन नहीं, चार दिन रहकर खाना खाऊंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। राजेश्वरी से कहना मुझे फोन कर ले। ठीक है, मैं कह दूंगा। अरे सुनो जी, कहिए। तुम एक बार अपने गांव आ। ठीक है जी। बंबू बगीचा खरीद लिया, समझ गए? ठीक है, मैं चलता हूँ। समझे जी भाई। ठीक है। हेलो, मैं मेघला बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पिताजी कैसे हैं? हाँ वो बहुत अच्छे हैं। अभी आप बैंक में हैं क्या? हाँ, वो बात क्या है बोलिए। नहीं, मुझे एक अकाउंट ओपन करना है। अच्छा ऐसा है, आज मैनेजर छुट्टी पर गए हैं, मैं इवनिंग में फॉर्म लेकर के आता हूँ, कल अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके, तो इवनिंग में 5 o'clock कॉफी डे में। Thank you.
मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम खाओगे तभी मैं खाऊंगी। खिलाओ बॉस, खिलाओ। लगता है ये एक कौवे को बगुला बना करके रहेंगे। सही है गुरु, सही है। ये लो फोटो खींचो, फोटो खींचो, खींच लो, खींच लो। ओके जी, ये चिकन खा। सुंदरी, ये फोटो तुम्हें किसने दिया? किसने दिया ये बात नहीं है, तुम किसके साथ हो ये बताओ मुझे। मेरे किसी बिजनेस के दुश्मन ने ग्राफिक करके शायद बनाया होगा। उसमें दूसरा आदमी कौन है वो बताओ मुझे। लगता है उसने इसे ग्राफिक किया होगा। कौन? ग्राफिक्स किया और वो तुम्हारे साथ पोज दिया था क्या? सुनो, ये छुपाने का नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा। सुंदरी, मैंने उसे खाना खिलाया ये सच है, पर जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं सोच रही थी, लेकिन तुमने सोचने पे मजबूर किया। समझने की कोशिश करो सुंदरी, वो बहुत दुखी है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, तुम उसे गलत मत समझना। हाँ हाँ, मैं गलत समझ रही हूँ, तुम तो सब सही कर रहे हो। इस शहर में बहुत अनाथ लोग हैं, उन पर रहम नहीं आई, सिर्फ उस पर रहम आई तुम्हें। बताओ मुझे, उसमें ऐसा क्या दिखा जो मुझ में नहीं है? बताओ मुझे। छोड़िए, ये तुम क्या करने जा रहे हो? हम दोनों के रिश्ते के बारे में अगर तुमने पहले से ही बता दिया होता तो ये समस्या खड़ी नहीं होती आज, और ना ही तुम्हें ये बातें सुननी पड़ती। अच्छा, तुम इसके लिए मुझे यानी अपनी पत्नी को मारने के लिए तैयार हो गए? इस कलमुही के लिए तुमने अपनी पत्नी से झूठ बोला? तुम दोनों के बीच में रिश्ता है ये सोचकर ही मुझे घिन आ रही है। छी, इसके बाद भी इस घर में रही तब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, अपनी इस रखेल के साथ आराम से इस घर में रहो। चुप रहो, शांत हो जाओ। सुजी मेरी बेटी है, मेरी पहली बीवी से पैदा होने वाली बेटी, मेरी बेटी है वो। तुम्हें पता चलेगा मेरी इतनी बड़ी बेटी है तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मैं ये सोच रहा था, इसीलिए नहीं बताया। सुंदरी, मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ हंसते खेलते जिंदगी बिताई है और हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ। सुंदरी, हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ। और जब भी बच्चे की याद आती है तो मैं सोच सोच कर परेशान हो जाता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसका क्या होगा। मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए भिखारिन की तरह मेरी दुकान पर आती है। मेरी बेटी को मुझसे अलग करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे सबकी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको गलत समझा। ये तो सबको पता है, जन्म मरण इंसान के अपने हाथ में नहीं होता। ये जैसे भी, इसमें इसकी क्या गलती है? अगर ये आपकी बेटी है तो ये मेरी भी बेटी है। ऐसे लोगों के लिए गलत भावना रखने के कारण भगवान ने मुझे भी बच्चा नहीं दिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो हुआ उसे आप भूल जाइए। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ रहोगी। सुजी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? तुम रहोगी ना हमारे साथ? नहीं माँ, मैंने आपके बारे में ऐसा गलत कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। हमारे जैसा जीवन समाज में कोई नहीं चाहता। समाज भी हम लोगों को गलत और हीन भावना से देखता है। हम लोगों को समाज ने पूरे समाज से बहिष्कृत कर दिया है। जब हमें समाज में सम्मान मिलेगा और लोग इज्जत करने लगेंगे तब मैं आपके साथ में रहूंगी। जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने लोगों के साथ में ही रहूंगी। जब मुझे मिलना होगा तब मैं आप लोगों के पास खुद आकर के मिल लूंगी। मैं चलती हूँ माँ, पिताजी का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे अलावा इनका इस दुनिया में केवल तुम ही हो। चलती हूँ पिताजी। चलती हूँ माँ। मुझे चाची मत कहो सूजी, मुझे अपनी माँ कहो। चलती हूँ माँ। Thank you.
पिताजी, पिताजी कहाँ चले गए? पिताजी, उफ, पिताजी कहाँ चले गए थे आप? मैं यहाँ पास में ही गया था, तुम जल्दी निकलोगी ये मुझे मालूम नहीं था। पिताजी पिताजी मैं चलती हूँ। हाँ हाँ एक मिनट बेटी। क्या है बोलिए। ये लो बेटी। जिंदगी को जी चुके लोग और अपने साथी को खोए हुए लोग ही इसके बारे में सोचते, लेकिन तुमने तो अभी अपनी जिंदगी शुरू ही नहीं की। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां देखना चाहता हूँ, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटी। जब मन में बदलाव आए तो किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारा पिता बोल रहा हूँ, अगर तुम फूल को लगा लोगी तो मेरे मन को भी शांति मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ लगा लो इसे। चाहता हूँ ये खुशी तुम्हारे पास हमेशा रहे, तुम खुश रहना, बस यही मेरी एक इच्छा है। अब तुम जाओ बेटी। ठीक है पिताजी। चलती हूँ पिताजी। जाओ बेटी। क्या मैं हाथ रख लूं? अरे पकड़ के बैठो ना ठीक से। अब नहीं। ऐसे पकड़ो ना। छोड़िए ना। है क्या? चलिए। हमारी मन्नत जरूर पूरी होगी, विश्वास रखिए। भगवान के नाम से अर्चना कीजिए। ठीक है बेटी। कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी इस खुशी को जिंदगी भर बनाए रखना भगवान। भगवान आप सब जानते हैं। बस मुझे अपनी सपनों की जिंदगी चाहिए। मुझे खुशी चाहिए। सर्व मंगल मांगल्य श्री सर्वार्थ साधक शरण में श्री मगे देवी नारायण नमो श्री धन द्वारा प्राप्त सार चपता करी श्री ईश्वरी गुम सर्व भूधारा ता व्योम ए श्रीयम। ये बताइए
आपने क्या मन्नत मांगी? जो मन्नत आपने मांगी वही मन्नत मैंने भी मांगी है। मेरी मन्नत आपको कैसे पता चल गई? आपकी शक्ल देखकर सब पता चल गया। कैसे? दिल की बातें चेहरे पर नजर आती है, आपको पता नहीं, बस ऐसे ही जान लिया। अपने पति को याद कर रही हो? जब मन में प्यार है तो क्यों चली आई? तुम्हें वहीं रहना चाहिए। अगर मुझे पति की याद आ रही है तो इसमें गलत क्या है बताओ? मैं उन्हें छोड़कर नहीं आई हूँ। हाँ, बस थोड़ी दूर हुई हूँ। तुम पति से दूर रहोगी? उसने तुम्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया तो तुम क्या करोगी? उसके साथ रहना चाहिए तुम्हें। देखो, वो वैसा इंसान नहीं है। जरूर कोई बात है, क्योंकि वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आया अभी तक? वो काम में बिजी होंगे, छुट्टी नहीं मिली होगी इसीलिए।
आ जाएंगे जल्दी ही। आप एक बार उनसे मिलकर पूछताछ क्यों नहीं करती? हाँ, जाके पूछ लेंगी तो सब कुछ पता चल जाएगा ना। अच्छा, ऐसी बात है? हर बार जाके पूछताछ करते रहे हमें कोई काम धंधा नहीं है क्या? पति के साथ एडजस्ट करके रहना चाहिए या कि यहाँ पर बैठकर झूला झूलते रहना चाहिए? मैं समझौता करता रहूँ। सुनिए जी, अब इसे डांट कर क्या फायदा होगा? इन दोनों को अब हमें समझाना चाहिए। मैं तो समझा समझा करके थक चुका हूँ, अब तुम ही समझा लो अपनी बेटी को। समझा समझा के पागल हो गया हूँ। तब तक के लिए मैं उनसे नहीं मिल सकती ना? क्यों नहीं हो सकता? तुम क्या अकेले उनसे मिलने जाओगी? नहीं जाओगी ना? तो एक काम करो, अपने पति को फोन करो और उन्हें यहाँ पर बुला लो। हेलो, कौन है? सासू माँ, मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ। राजेश्वरी, राजेश्वरी, तुम कैसी हो बहू? घर में सब कैसे हैं? सब खुश हैं सासू माँ। सत्य ने तुम्हें फोन किया क्या? रो मत बहू, बिल्कुल चिंता मत करो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है बहू, सब मेरी ही गलती है, मुझे शादी नहीं करानी चाहिए थी। सासू माँ, ऐसी बातें मत कीजिए आप, मैं ही घर छोड़ के आ गई। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम धैर्य रखो बेटी, वो तुम्हारे घर आएगा और तुम्हें कहेगा कि चलो मैं लेने आया हूँ, बस इंतजार करो, जरूर आएगा। मैं भी इंतजार कर रही हूँ सासू माँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा, मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम रो मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वो तुम्हारे घर आएगा और तुमसे कहेगा कि राजेश्वरी अपने घर चलो। और सत्या, राजेश्वरी का फोन है, करो ना। हाँ, तुम्हें उससे बात करो। ए, उसने ऐसी क्या गलती की है? वो मेरी बहू है, तुम ऐसा बर्ताव मत करो। तुम्हें जरूरत है तो लेकर के आ जाओ। ए, सत्या, वो लाइन पर है। बहू, वो गुस्से में। राजेश्वरी, अर्जेंटली बुलाया मुझे, कुछ खास बात है क्या? बताती हूँ। ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम कितना सुहाना है ना, और दिल की बात करने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। सब तुम्हारे मन की तरह। मैं तुमसे एक सवाल करूँ, सच सच जवाब दोगे क्या? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तुम्हें भला कौन पसंद नहीं करेगा? आ,
आप मुझसे शादी करेंगे क्या? बोलिए ना, क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगे? आपकी चुप्पी से मुझे घबराहट हो रही है। Are you okay? मेघला, तुम जैसे अपनी जिंदगी में तकलीफ सह रही थी वैसा? वैसा क्या? मैं भी बहुत तकलीफ सह रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? हर मर्द अपनी होने वाली पत्नी का सपना देखता है। मेरा भी कुछ वैसा ही सपना था, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। एक ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में आई जिसके दिल में हमारे लिए कोई चाहत नहीं। मैंने जो कुछ चाहा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन 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 फिर सब तुम्हें मैं अब वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब डाइवोर्स होने के बाद ही बस। मैं तुम्हें बताना चाहता था। चाहता था, बताना चाहिए था ना, पर नहीं बताओगे। क्यों बताओगे भला? माँ, बहन, इधर उधर की बातें, पर पत्नी के बारे में बताना ही भूल गए। मेरे दिल के साथ खेलते हुए तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई क्या? दर्द नहीं हुआ? और अगर दर्द नहीं हुआ तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो। पत्नी को डिवोर्स देके मुझसे शादी करोगे तुम, और कुछ दिनों के बाद मुझ में भी नुक्स निकाल कर डिवोर्स दे दोगे, दूसरी पत्नी लाओगे। सारे मर्द यही करते हैं, तुम भी बाकियों की तरह ही निकले। क्या बात है सत्या, इस तरह मरने तक तुम पत्नियां बदलते रहोगे क्या? बताओ। तुमसे बात करने में भी शर्म आ रही है। सत्या, मैं तो तुम्हें अच्छे विचारों वाला इंसान समझती थी, लेकिन तुम आखिर में तुम भी चीची। क्यों मिलने आई मैं तुमसे? चले जाओ यहाँ से। प्लीज, तुम्हें धोखा देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए मैंने सपने नहीं देखे थे। इनफ, इनफ। आगे से तुम कभी मुझे नजर भी मत आना। गुड बाय। निकला, निकला, क्या हुआ बेटी? क्यों रो रही हो बेटी? पिताजी, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे दिल के साथ खेला है। क्या कह रही हो बेटी? उसकी तो पहले से ही शादी हो चुकी है पिताजी। तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिलके भी नहीं मिल रहा है, ये सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही। मैं तुम्हें एक जिंदगी भी नहीं दे पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं तुम्हारे। मेरी भी जिंदगी अब ज्यादा दिन की नहीं है। ऐसी बातें मत कीजिए, शायद मेरे लिए कोई रिश्ता बना ही नहीं है।
कोई नहीं बना है पिताजी। ये क्यों मेरे समझ में नहीं आ रहा है? केवल ऊपर वाला ही जानता है। देखो तुम हिम्मत वाली लड़की, रो मत, हमने बहुत कुछ खोया है, ये सब सहन कर हम जी लेंगे बेटी। लेकिन मुझसे सहन नहीं हो रहा है पिताजी। मेघला, मेघला, क्या बात है यार, पहले दरवाजा ठोका अब जा रहे? रामाजी लग रहे, रामाजी, रामाजी, क्या दोस्त ये बुजुर्ग से दामाद कह रहा है? रुको यार, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। सर, क्या है भाई? सर आप किसे ढूंढ रहे हो? अभी जो वो गए वो मेरे दामाद जी। वो? जी हाँ। एक मिनट, यहाँ आइए। किस लिए बताइए?
क्या कहना चाह रहे हैं? वो जो गया है हाँ। वो आपका दामाद है? हाँ, मेरी बेटी की शादी उन्हीं के साथ हुई है। आपका दामाद? हाँ, मेरा दामाद। मेरी बेटी के साथ उसकी शादी भी बड़े धूमधाम से। क्या बात कर रहे हैं, कितने लोगों का दामाद बनेगा वो? क्या बात कर रहे हो, जरा साफ साफ बताओ। क्या सर, आपका दामाद इस घर की लड़की को अपनी बाइक पे बैठा के पूरे शहर में घुमा रहा था। अरे आपने तो अपनी बेटी की जिंदगी नरक कर दी। ऐसा ऐसा दामाद? ऑटो चलो, जल्दी चलो। देखा कमाल, चलो जल्दी चलो भाई। तुम क्यों खड़े खड़े मेरी शक्ल देख रहे हो? चलो। अरे थोड़ी देर चुप रहोगी आप? रोक दो यहीं पर। आईनार आईनार, चलो बाहर आओ, आने दो। अरे ये तो भाई साहब की आवाज लग रही है, वो मुझे देख लेंगे तो जान से मार देंगे। मैं अंदर जा रहा हूँ, कहना कि मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे आने दो। तो सुनिए आप, आ रहा हूँ। सुनिए ना, शांत हो जाइए जरा आप। आइए आइए। ए, हमें स्वागत वागत नहीं चाहिए, तुम अपने पति को बुलाओ, मैं उसे आज नहीं छोड़ूं। वो बाहर गए, उन्हें आने में 2 दिन लग जाएगा। बात क्या है मुझे बताइए, आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, क्यों हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की उन्होंने? आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, उस पागल को आने दो, उसका कीमा बनाने के बाद फिर सबको अच्छे से समझाऊंगा। ए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। चलो समझन के घर चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, कैसे किससे बात करनी है, ठीक है ना? जाओ उस लड़के को और उसकी माँ को बुलाओ, जाओ। बेटा सत्या, आप घर के बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं, अंदर जाकर बात करेंगे ना? चुप रहो, मैं तुम्हें मार दूंगा, इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी, इनके घर के बाहर खड़े होकर सारी बात करनी पड़ रही है। समधी जी, आप अंदर आकर बात कीजिए ना। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद घर के अंदर आने का मन नहीं कर रहा है। आपका बेटा किसी और लड़की के साथ प्यार में था तो आपने शादी क्यों की? ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी नहीं समझोगी तुम, इन्हें अभी समझ में भी नहीं आएगा। इसकी बेटी की शादी करने के बाद इसका भी दामाद अगर समाज में ऐसा करेगा तब इसको समाज में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो अंदर जाकर बात की। तुम चुप रहो, जान जाने वाली बात हो तो चलेगा, ये सम्मान की बात है। बेटा बहुत अच्छा है कह रहे थे ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, एक पत्नी के होते हुए भी वो दूसरी लड़की के साथ मजा कर रहा है। ये सब मैं सामने से देख कर और सुनकर आ रहा हूँ, मेरे बदन में आग लगी हुई है। लड़की दी है तुम्हारे घर नहीं, अब तक तो मैं क्या कर देता। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, अब तक जो मैंने सुना है वो सब कुछ सही है। ये सच है क्या? ये बात हमें। ए कामाक्षी, आप क्यों इनसे तुम बात कर रही हो? अपनी बेटी का संबंध आपके बेटे से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। और मेरी बात सुनो, मेरी बेटी घर में सड़ेगी लेकिन तुम्हारे घर कभी नहीं आएगी। कोई भी आकर मेरे घर पर मेरी बेटी को बुलाने की कोशिश मत करना, वरना बेइज्जत करके भगा दूंगा। चलो। मैडम, मैडम मेघला। हाँ मेघला मेरी फ्रेंड है, आपको क्या चाहिए? जॉब रिजाइन करके चली गई, आपको पता है कहाँ गई है? तुम खुद उसे मारकर अब उसे ढूंढने का नाटक कर रहे हो? What do you mean? I mean you are a killer. उसका करियर और जिंदगी बर्बाद करने वाले वो कातिल तुम ही हो। बेचारी छोटी सी लड़की, इतनी सी उम्र में कितनी तकलीफें सही उसने, हमने उसे कितना समझाया किस चक्कर में ना पड़े, लेकिन उसने इस मामले में मेरी कोई बात नहीं मानी। तुमसे मिलने के बाद वो हमेशा ही बहुत खुश रहने लगी। आखिर तुमने उसे धोखा देकर नर्क में ढकेल ही दिया ना? मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था। अगर ऐसी बात है तो तुमने उसे अपनी शादी की क्यों बात की? वो क्या वो क्या तुमने उसे रोका था? तुम बहुत स्वार्थी हो। बारिश के वजह से उसका मन चंचल हो गया और उस हालत का तुमने फायदा नहीं उठाया, इस वजह से वो तुम पर भरोसा करने लगी, तुम्हें अच्छा इंसान समझकर तुम्हें पसंद करने लगी, तुमसे प्यार करने लगी। पर तुम भी आम लोगों की तरह हो, ये बात तुमने साबित कर दी। अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्लीज आप एक तरफ से मत देखिए, मेरी तरफ से भी तो देखिए आप। सॉरी, मुझे आपसे कोई सफाई नहीं सुननी। अब तो तुम क्या, कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता, मेरा पीछा छोड़ो।
सुनिए सुनिए प्लीज सुनिए। माँ दूध पी लो। माँ नहीं चाहिए, मेरा घर बर्बाद हो गया। लक्ष्मी बहन क्या है ये, बचपना छोड़ो। तुम अगर भूखी रहोगी तो क्या गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? कुछ खा लो। माँ आ गया। माँ ले, तुम्हें गलत समझा, ये मेरी गलती थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो सच में गलत है। अब मेघला, 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 हेलो हेलो मेघला। हम जिस मंदिर में एक साथ गए थे उसी मंदिर में इंतजार कर रही हूँ। ओके ओके, हाँ ओके, जल्द से जल्द आ जाइए। मैं अभी आता हूँ। सॉरी, एक सच छुपाकर फूल जैसे तुम्हारे मन को मैंने बहुत दर्द दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज, चुप रहकर मुझे बेचैन मत करो। मारो, जान से मार डालो अपने मन में बसी उस मेघला को। क्यों जी, घबरा गए क्या? जो घटना हुई उसमें मेरी भी गलती है। मेघला मेरे पास आकर मुझे समझा रही थी और उसके समझाने पर ही मैं बात समझ पाई। आपने उसकी इज्जत बचाई और उससे दोस्ती कर ली। गलती होने की वजह से आप पीछे भी हट गए और इसी वजह से वो आपसे बहुत प्यार करने लगी। लेकिन ये सुनने के बाद मुझे बहुत दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया मुझे, मैंने उसकी बेइज्जती भी की। लेकिन बेचारी उसने मेरी बेइज्जती सहन की और मुझे बार बार समझाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। फिर भी उसने मुझसे विनती की, उसने बहुत समझाया मुझे। हमारी जिंदगी के बारे में जानकर वो पूरी तरह से टूट गई थी। सच को जानने के बाद उसने आपको अपने मन से हटा दिया और मेरे पास आ गई मुझे सारी बातें बताने के लिए। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से सोचा कि हमारे बीच में आखिर प्रॉब्लम क्या है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, छोटी छोटी बातों पर मैं गुस्सा होती थी,
पागलों की तरह बिहेव करती थी, लेकिन वो मुझे समझाती रही। वो गुस्सा नहीं हुई, उसने मुझे हर तरह से समझाया कि मैं अपने मन को बदलूं और आपको समझने की कोशिश करूं। मुझे आपसे अच्छे से बात करनी चाहिए और आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम दोनों ने जल्दबाजी में आक्रोश में आकर गलत फैसला लिया। अगर हमने आपस में बात की होती तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती और हम एक दूसरे को समझ पाते, और ये सब भूलकर हम लोग अपनी खुशियों को खोकर कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं। आज एक वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बात मुझे आज मेघला ने समझाया है। मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदल जाऊंगी मैं। तो क्या मेरा ये रूप पसंद आया? हेलो, मैंने सिर्फ ड्रेस ही नहीं बदली, खुद को भी पूरी तरह बदल डाला है मैंने। अगर आप चाहो तो और भी ज्यादा बदल सकती हूँ। क्या जी, आप नाराज ही होते रहते, बदल गई फिर भी नाराज हैं। hey, तुम्हें ऐसा ड्रेस पहनने के लिए कहा था क्या मैंने? अरे प्यार से नजदीक आके चार प्यार भरी बातें करने के लिए कहा था बस मैंने तुमसे, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तो फिर उस दिन मॉडर्न ड्रेस दिखाकर आपने तंग क्यों किया? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मॉडर्न रहो कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग तुम्हारे ऊपर हंसने नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाने चाहिए, समझी? क्या समझी? बाप रे, मैं तो कुछ और ही समझ के डर ही गई थी। ओके यार, तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही रहूंगी, ठीक है ना? चलो 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 ना। हेलो मेघला, ना कहीं दूर चली गई है, अब आपकी नजर ना सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। अगर इधर उधर नजर घुमाई ना तो मार डालूंगी, बुरा मत मानना। हाँ चलो। किस चीज की कमी है? अरे वो चला गया तो क्या हुआ? सबर रखो, ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता दिखाएगा।